अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एशियन पाकिस्तानी फूड रेसिपीज़। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट मार्बल केक। इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसमें सबसे पहले है एक कप मैदा, एक कप आइसिंग शुगर, वन एंड हाफ टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, क्वार्टर टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1 cup ऑयल एंड वेनिला एसेंस। तो अब हम अपने इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्सअप करेंगे। ये मैं आपको देगची में बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत ही ईजी है। और हम अपने इंग्रेडिएंट्स को बीट करने के लिए ब्लेंडर जग यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जैसे कि मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसको एक बाउल में डाल के अच्छे से मिक्सअप करना है। स्पून, विस्कर या फोर्क की मदद से आप इसको मिक्सअप कर सकते हैं। अब हम ब्लेंडर जग में आइसिंग शुगर, ऑयल और 1 cup मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद आपने इसको कवर करके 2 मिनट्स के लिए बीट करना है। बीट करने के बाद हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। और बाउल में निकालने के बाद अपने बैटर को 2 halves में डिवाइड करना है। मैदा मिक्स करेंगे और ये हमने ब्राउन चॉकलेट पाउडर ऐड किया, उसको मिक्सअप किया और अपने बैटर को केक पैन में डालने के बाद ये टूथपिक की मदद से ऐसे डिज़ाइन बना लेंगे। देगची को 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में प्रीहीट करें और उसके बाद अपने केक के पैन को उसमें रखकर 30 मिनट के लिए बेक करें। बेक करने के बाद ये देखिए हमने इसको रख दिया और ये मैंने अभी देगची कवर कर दिया। 20 मिनट के बाद ये हमारा केक बेक हो गया है। देखें कितना सॉफ्ट है, बहुत ही मज़े का है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं, ये देखें कितना सॉफ्ट है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी अब इसको ट्राई करने लगी हूँ। चलें, अल्लाह हाफिज़।